दोस्तों, अगर आप नीदरलैंड में स्टडी करने का ख्वाब देखते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख देश है, जिसके पूरब में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम है। ये देश दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, जहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो डच है, लेकिन इस देश में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिससे आप लोगों को यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ नहीं होगी। तो इस बार मैं आपको रूबरू कराऊंगा नीदरलैंड के स्टडी कल्चर से। तो आज इस वीडियो में कैसे और पैसे में हम जानेंगे नीदरलैंड कैसे पढ़ने जाएं और कितने पैसे में। नीदरलैंड को यूरोप के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ का मिनिमम क्राइम रेट इस बात की गवाही देता है। करप्शन के लिहाज से बात करें तो नीदरलैंड टॉप 3 करप्शन फ्री कंट्रीज में गिना जाता है। नीदरलैंड को साइकिल का देश भी कहते हैं। यहाँ लगभग हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल का इस्तेमाल करता है, जिस नीदरलैंड से टॉप मोस्ट पोल्यूशन फ्री कंट्री भी गिना जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टडी फीस और लिविंग कॉस्ट की। गाइस, मैंने यहाँ स्क्रीन पर नीदरलैंड की फेमस यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ने के लिए आपको आईलेट्स 6.4 स्कोर या फिर टॉफिल की ज़रूरत होगी। बैचलर्स प्रोग्राम की हम बात करें तो 4,000 यूरो से 7,000 यूरो पर ईयर की फ़ीस रहती है। वहीं मास्टर प्रोग्राम्स 8,000 से 13,000 यूरो पर ईयर की फ़ीस रखते हैं। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ की वेजेस और सैलरी यूरोप के बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ के लोग अपनी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं दूसरे यूरोपियन देशों की तुलना में। पार्ट टाइम जॉब्स आप कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, जहाँ पर आपको अच्छे वेजेस मिलते हैं। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद आप 1 साल तक स्टे बैक वीज़ा पर यहीं रह सकते हैं और अपने लिए फुल टाइम जॉब सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि नीदरलैंड की डिग्री सभी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ में रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट की जाती है दोस्तों। इस महंगाई के दौर में यूरोपियन कंट्रीज़ की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो जानने के लिए आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में चेक करना होगा। लिविंग कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो लिविंग कॉस्ट आता है वो आता है रेंट का। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन में रहते हैं तो आपका रेंट एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। कुछ ज़रूरी डेली एक्सपेंसेस की प्राइसिंग मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है स्क्रीन पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूरी जानकारी मिली होगी और नीदरलैंड जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए